क्या सुबह हुकूमत की ये कारनामा है, क्या जेब में ये तब्दीली है, क्या वो लोगों को बीमारी दिया जाए, खून भी नजर आता है, तो ये वबाई मरज फैलने का सबब बन सकता है। ये सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बंदा बिल्कुल खराब हो जाता है, बंदा बीमार हो जाता है। पेशावर का सबसे बड़ा तिब्बी अस्पताल लेड रीडिंग, जहाँ पर रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं और इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप्स, बैग्स, अद्वियात की खाली बोतलों का सड़क किनारे गंदगी का ढेर बढ़ा देते हैं। लेड रीडिंग अस्पताल के बाहर इस्तेमाल शुदा सिरिंजों, ड्रिप्स, बैग, अद्वियात की बोतलों और दीगर आलात का ढेर लगाने का सिलसिला ताहाल जारी है। इस ढेर से इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप्स, बैग्स और दीगर आलात चुनने वालों में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो अपने खानदान का पेट पालने पर मजबूर है। लोग इस सूरत-ए-हाल को अफसोसनाक करार देते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट के लिए जो ट्यूब इस्तेमाल होता है, जिस तरह जेल ट्यूब है या दूसरे ट्यूब है, उसमें आप देखे खून भी उसमें नजर आता है, यहाँ पर खून भी नज़र आता है। तो वो क्या होता है कि वो पिल एनरिच मीडिया होता है जो जरासीम होता है, जब ये इसमें ग्रोथ आसानी से कर सकता है। इनका एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जो इनका सफाई का मतलब खास ख्याल रखे, और इस तरह दूसरे जो यहाँ पर अवजार पड़े हुए इसकी दोबारा रिसाइकलिंग होती है और दोबारा इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेशावर के बड़े अस्पताल में सिर्फ एक ही इंसिनरेटर है, तहम गुज़श्ता 3 साल से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। अस्पताल निजामिया इस गंदगी के ढेर को हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में वाकई इंसिनरेटर के जरिए खत्म करने का रोना अलाप रही है। हमने वो वाली चीज जो है वो कंट्रोल की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो बास टाइम जो है वो कोताही वो होती है, लेकिन मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि वो उसको एड्रेस करे, उसको पॉजिटिव तरफ वो लेकर आए। लेडरिंग अस्पताल पेशावर से रोजाना की बुनियाद पर 50 से 60 किलोग्राम फुजला सड़कों पर फेंका जाता है, जो शहर में मुख्तलिफ अमराज फैलाने का बायस बन रहा है। कैमरामैन नौतायर के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।